हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मैं हार्ट पुरानी हॉल्ट स्टेशन आ चुके हैं। चलिए अब टिकट कटा लेते हैं। मेरा फ्रेंड देखिए टिकट कटा रहा है। हॉल्ट जो है भागलपुर से 12 किलोमीटर पड़ता है बांका वाले रूट में। तो आप, हम लोग टिकट कटा चुके हैं, अब ट्रेन की इंतज़ार है। देखिए अब ट्रेन आ रही है, ट्रेन पहुंच चुकी है। नली गैस ट्रेन रुक चुकी है। चलिए तो अब चढ़ते हैं ऊपर। आई करो ना, फिर जब आया तो आई करो ना। देखिए फ्रेंड कितना अद्भुत नज़ारा है इधर का, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट आपको। हेलो फ्रेंड, देखिए अभी टेकानी स्टेशन पहुँचे हैं और इस रूट का ये सबसे बड़ा स्टेशन है। और यहाँ पे 2-3 प्लेटफार्म भी है, बाकी बात तो एक ही प्लेटफार्म था बाकी सब में। देखिए फ्रेंड, अभी ट्रेन बाराहाट जंक्शन पहुंची है। चलिए तो आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। फ्रेंड ये देखिए जो पहाड़ दिख रहा है, ये मंदार पर्वत है जिसको पपरनी भी बोलते हैं। भागवत पुराण में जो समुद्र मंथन हुआ था वो इसी पर्वत से हुआ था। इसका वीडियो भी हम दूसरे पार्ट में दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, यही मंदा हिल स्टेशन है, यहीं से उतर के हम लोग मंदा हिल पर्वत पे जाते हैं। फ्रेंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर। ट्रेन गोड्डा पहुंच गई है, तो ट्रेन से उतरकर हम चले स्टेशन से बाहर। देखिए फ्रेंड ट्रेन से उतर रहे हैं। देखिए फ्रेंड पटरी पटरी ही निकल चुके हैं हम बाहर की ओर। पहाड़ पर बनी हुई है और ऑटो रिक्शा देखिए नीचे रोड पर मिलती है, तब नीचे जाके ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं। देखिए फ्रेंड, गोड्डा बस स्टैंड जाने के लिए यहीं से टोटो मिलेगी। अब टोटो उठ के अब जाएंगे गोड्डा बस स्टैंड। तो फ्रेंड अब हमारी सवारी निकल पड़ी है गोड्डा शहर की ओर। तो देखते हैं कैसा है अपना शहर गोड्डा।
हम फाइनली गोड्डा बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। तो देखिए कितना बड़ा बस स्टैंड है और कितना अच्छा है। तो फ्रेंड देखिए मेरे बस पे अब जाते हैं, बस बगल में ही है। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा, और ये शहर कैसा लगा गोड्डा शहर वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।